नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में आज भी पूजा के अंत में शंख बजाने का विधान है। शंख की ध्वनि को विजय, शांति, उल्लास, कीर्ति तथा लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शंख के नाद से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता आती है। यह भी कहा जाता है कि शंख नाद करने वाले व्यक्ति को सांस से संबंधित रोग भी नहीं रहता। ऐसे ही कई फायदे हैं जो शंख और शंख नाद से जुड़े हैं। शंख कई प्रकार के होते हैं, जैसे वामावृत्ति, मध्यावृत्ति तथा दक्षिणावृत्ति शंख। कई युद्धों में शंख नाद के द्वारा ही उसके शुरू होने और अंत होने की घोषणा की जाती थी। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में भी शंख का वर्णन मिलता है। महाभारत में सभी योद्धाओं के पास उनके अपने शंख होते थे, जिनके नाम भी होते थे। जैसे श्री कृष्ण के पास पंचजन्य शंख था, अर्जुन के पास देवदत्त, इसी प्रकार युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, पितामह भीष्म का पौंड्रिक तथा सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था। इन सभी शंखों की शक्ति अलग अलग थी, परंतु इन सभी में सबसे दुर्लभ श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख था। क्या थी इसकी विशेषता और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, यह सब आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को आगे शेयर करें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण का यह शंख बड़ा ही विशिष्ट और दुर्लभ है। कहते हैं कि इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। समुद्र मंथन में उत्पन्न रत्नों में छठा रत्न पंचजन्य शंख ही था, और उसके पश्चात भगवान विष्णु के पास माता लक्ष्मी तथा यह शंख सुशोभित हुए। किंतु महाभारत में भी इस शंख की उपस्थिति का वर्णन है। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण और बलराम शिक्षा ग्रहण करने के लिए महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रहे थे, जहां उन्होंने वेद, पुराणों तथा उपनिषद आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। और जब शिक्षा पूर्ण हुई, तब उन्होंने गुरुदेव से दक्षिणा मांगने के लिए प्रार्थना की। महर्षि सांदीपनि को ज्ञात था कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र पुनर्दत्त, जिसकी समुद्र में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी, उसे लौटाने की दक्षिणा मांगी। गुरु की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण बलराम सहित समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र देव से गुरु पुत्र लौटाने की प्रार्थना करने लगे, किंतु समुद्र देव से कोई उत्तर नहीं मिला। तब श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर संपूर्ण समुद्र को सुखाने की चेतावनी दी और इस भय के कारण समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बताया कि महर्षि संदीपनि का पुत्र सागर में नहीं है, किंतु साथ ही उन्होंने आशंका उत्पन्न की कि सागर तल में एक असुर रहता है। वह पंचजन शंखासुर नाम से प्रसिद्ध है और वह मनुष्य को अपना भोजन बनाकर खा लेता है। समुद्र देव ने कहा, हो सकता है कि उसी ने गुरु पुत्र को अपना निवाला बना लिया हो। यह सुन कृष्ण और बलराम सागर के तल में उतर गए और शंखासुर की खोज करने लगे। उन्होंने उससे गुरु पुत्र के विषय में पूछा, किंतु उसने बताने से मना कर दिया और कृष्ण को भी मारने के लिए आगे बढ़ा, किंतु श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। उसके मरने पर उन्होंने उसका पेट चीर कर देखा, किंतु उन्हें वहां कोई बालक नहीं मिला। वहां पर उन्हें एक शंख मिला, जिसे कृष्ण ने ले लिया और यमलोक की तरफ प्रस्थान किया। यमलोक पहुंचकर यमदूतों द्वारा उन्हें रोका गया, तो कृष्ण ने शंखनाद किया।
वहाँ शंखनाद इतना भयानक था कि संपूर्ण यमलोक कंपित हो गया। तब यमराज उनके सामने उपस्थित हुए और प्रभु की आज्ञा मानकर उन्होंने गुरुपुत्र को वापस कर दिया। गुरुपुत्र पुनर्गत तथा उस शंख को लेकर श्री कृष्ण गुरु सांदीपनी के आश्रम में पहुंचे और उन्हें भेंट दी। अपने पुत्र को पाकर गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस शंख को देखकर कहा, ये पवित्र पंचजन्य शंख है, और उसे श्री कृष्ण को ही भेंट कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण को उनका पंचजन्य शंख प्राप्त हुआ। आखिर क्यों इस शंख को इतना विशिष्ट बताया गया है? कहते हैं कि इस शंख के नाद करते ही दुश्मनों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि हजारों सिंह गर्जने से भी कहीं अधिक थी। इसकी आकृति 5 उंगलियों की भांति उभरी हुई होती है। इससे मिलते जुलते शंख आज भी लोग मिलने का दावा करते हैं, किंतु वे सब इस शंख की तरह चमत्कारिक व शक्तिशाली नहीं होते। यह दुर्लभ शंख आज कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।